पिछले 3 दिनों तक चली सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के नए कार्यकारी चुनाव अब थम गया है। चुनाव के समाप्त होने से जहां चुनाव की प्रक्रिया में लगे लोगों को राहत मिला है, वहीं न्यायिक कार्य भी अब सुचारू रूप से आरंभ हो गया है। मंगलवार को अधिवक्ताओं ने नए कार्यकारी सदस्यों को न सिर्फ भव्य अभिनंदन किया बल्कि उन्हें बहुत सारी बधाइयां भी दी। इस मौके पर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट सभागार में निवृत्तमान अध्यक्ष अभिमन्यु पांडे, निवृत्तमान मंत्री प्रियानंद सिंह सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने नव निर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र शाही, महामंत्री अजय कुमार शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास्तव, धनश्याम तिवारी उपाध्यक्ष, ललित पांडे संपूर्णानंद, कनिष्ठ उपाध्यक्ष धनंजय, कोषा अध्यक्ष संजय, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय आशीष पांडे, संयुक्त मंत्री प्रकाशन धीरेन्द्र नाथ को माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित कर आभार व्यक्त किया। इस दौरान सिविल कोर्ट के कई अधिवक्तागण मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए नव निर्वाचित महामंत्री अजय कुमार शुक्ला और नव निर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र शाही ने कहा, अच्छा कार्य किया है और करते रहेंगे, इसके लिए मैं आपका और अध्यक्ष मंत्री
अधिकारी को उसके साथ मिलकर के आप लोगों के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। और मैं अपने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी अधिवक्ता साथियों के समस्याओं को ला करके उसमें सुझाव देकर के बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि साधारण सभा से किसी प्रकार का यज्ञ किसी प्रकार का कष्ट हमारे एग्जाम कमेटी और उनके सहयोगी गण को अगर उनसे दुख प्रकट हुआ हो दुख हुआ हो तो मैं साधारण सभा के सदस्यों के तरफ से आपसे हाथ जोड़कर विनती करके क्षमा मांगता हूं। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अपन में एक मंथन चल रहा था या लड़ी बच्चे पिताजी कह रहे थे उसी के बारे में सोच रहा था। ब्राह्मण स्कूल को ले रहे थे हमारे बहुत ही आदरणीय द्विवेदी समय समय पर डांटते भी रहते हैं और मोहब्बत भी दिखाते रहते हैं। उन्होंने कहा रे शाही राइए हसीिए मुस्कराने लगा। सच बताऊं तो मुस्कुराहट तो मुझे ईश्वर ने दी है जीवन भर मुझे उनके हंसने नहीं दिया और ऐसे ही किसी के कहने पर मैं कभी कभी हंसता रहा और हंसू भी कैसे वो भी आज की इस परिचय समारोह में जब मैं निर्वाचित होने के बाद अपने तख्ते पर बैठा हुआ था मेरे भाई अजय शुक्ला जी का फोन आता है आप कहाँ हैं कहता हूँ मैं तख्ते पर बैठा कहते आप वहीं रहिएगा मैं आऊँगा और हम साथ निकलेंगे और साथ चल करके हम लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। कहा छोटे भाई इतनी अच्छी बात आपने कह दी मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी इस कार्यकारिणी की कोई शुरुआत वही नहीं सुनी। देश का हमें मत देख
अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करता रहेगा और समस्याओं के निराकरण